बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम हो गए आप सभी के अनदर वीडियो में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली सीखेंगे कि हाउ टू फॉर्म यूके लिमिटेड कंपनी। यूके में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कैसे करवानी है, फर्क नहीं पड़ता आप पाकिस्तान में बैठे हो, यूके में बैठे हो, किसी भी मुल्क में बैठे हो, तो आप लोग अपनी कंपनी जो है वो यूके के अंदर रजिस्टर्ड करवा सकते हो। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने वाली है, क्या फायदा होगा, कैसे करना है, सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को किसी भी वीडियो को जाके देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों ने अपने 10 से 12 मिनट्स आज की इस वीडियो को दे देने हैं, आपके सारे सारे क्वेश्चन क्वायरी जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नहीं हो, पहली बार टपक पड़े, ये चेहरा देख रहे हो अगर पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारा इधर शॉपिफाई इंटरनेशनल का कोर्स चल रहा है। क्या नहीं पता, तो यार इधर मैं प्लेलिस्ट अटैच कर रहा हूँ, शॉपिफाई इंटरनेशनल कोर्स 2024 के नाम से है, आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे आपको मिल जाएगी, तरतीब के साथ स्टेप बाय स्टेप आपका भाई लेके चल रहा है, तो लाजमी से ज्वाइन कर लेना। फिर विदाउट वेस्टिंग द टाइम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले नंबर पे बेनिफिट पे बात कर लेते हैं कि अगर हम अपनी यूके में कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं हमें फायदा क्या मिल रहा है। देखो, पहली बात तो मैं आपको एलएलसी मैंने रजिस्टर्ड करवानी सिखाई है ना पीछे, उसमें आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्या क्या फायदे हैं। सेम इधर भी आपको वही फायदे देखने को मिलेंगे। आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हो तो आप लोग वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हो, किसी भी मुल्क में बैठ के। पाकिस्तान में मैं बैठा हूं ना, मैं किसी भी मुल्क में काम कर सकता हूं। अब जरूरी नहीं है कि मैं यूके में कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ यूके में ही काम कर सकता हूं, नहीं, आप लोग किसी भी मुल्क में काम कर सकते हो। सेकंड नंबर पे आपके पास पेमेंट गेटवेज के मसले मिसाइल मिलते हैं। आप अगर किसी भी इंटरनेशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम करना चाह रहे हो, एमेजोन, एटसी, ईबे, आप लोग उन पे जाके काम कर सकते हो। पेमेंट गेटवेज में बात करूं स्ट्राइप है, वाइज है, उसके अलावा हम बात करें पेपाल है, तो ये पेमेंट मेथड जो है आप लोग इजिली बना के अपना काम जो है वो चला सकते हो। और भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं, आप लोग जब काम करोगे आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब सेकंड नंबर पे आते हैं रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ने वाली है अगर हम यूके में कंपनी रजिस्टर्ड करवाने जा रहे हैं। पहले नंबर पे कंपनी का नाम, ऑब्वियसली यार हमें नाम की तो जरूरत है, किस नाम पे आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपका अगर कंपनी का कोई नाम है, कोई वेबसाइट आप है, आप उसके नाम पर रजिस्टर्ड करवा लो, या आप अपने नाम पर कंपनी रजिस्टर्ड करवा लो, बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है। सेकेंड नंबर पर आपको चाहिए एक फिजिकल एड्रेस, जिसको हम मेलिंग एड्रेस भी कहते हैं। अभी तो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं कि भाई हम वर्चुअल एड्रेस लगा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, आप लोगों ने वर्चुअल एड्रेस की तरफ नहीं जाना, क्योंकि हम पाकिस्तानी थोड़ी जुगाड़ू गांव है, हम क्या कहते हैं कि यार किसी थर्ड पार्टी फ्री वाली मतलब कि वेबसाइट पे जाके एड्रेस ले लेते हैं, उससे लगा के अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेंगे। इसका नुकसान आपको ये होगा कि आप नेक्स्ट आगे चलकर अगर इनकेस आप अमेजोन पे काम कर रहे हो या कहीं पे भी कर रहे हो, तो देन आपने जो एड्रेस यूज किया हुआ, हो सकता है कि चार पांच बंदों ने और भी वही एड्रेस सेम यूज किया हो, क्योंकि वो फ्री एड्रेस है, वर्चुअल एड्रेस है, हर बंदा उठा रहा है, तो उसका नुकसान ये होगा कि आपके अकाउंट जो है वो बैन कर दिए जाएंगे, तो आगे चलकर आपको काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई मैं आपको रिकमेंड करता हूं, जब भी आप लोगों ने जाना है फिजिकल एड्रेस की तरफ जाना है, और उसको आपने बाय कर लेना है एड्रेस को। किधर से बाय करना है आगे चलकर मैं डिटेल से बता दूंगा कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, आप जाके तसल्ली से जाके बाय कर लेना। अब नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, कोई भी ईमेल आईडी चल जाएगी, जीमेल चल जाएगी, आपके पास कोई अगर पर्सनल ईमेल है तो वो भी आप चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इधर एक चीज मैं पीछे एड्रेस में मिस कर गया हूं, कुछ लोग ऑलरेडी यूके में भी बैठे होंगे, उनके पास ऑलरेडी वो मतलब उधर की रेजिडेंशियल, उधर के रहायशी हैं, तो वो अपना फिजिकल एड्रेस यूज कर सकते हैं, अपना एड्रेस यूज कर सकते हैं। या अगर इनकेस कोई बंदा कह रहा है कि यार मेरा चाचा, मामा, ताया या कोई भी रिश्तेदार यूके में है तो मैं उसका एड्रेस लगा लूं, तो जी हाँ आप लोग लगा सकते हो, आप लोग कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि अगर आपका अगर कोई दोस्त रिश्तेदारी या कोई जाने वाला नहीं है, तो देन आप एड्रेस बाय करो, आप इसे फ्री वाला कोई वर्चुअल एड्रेस इस तरह उठा के ना लगा देना। होप का तो अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। ईमेल आप लोग ने लगा लेनी, कोई भी जीमेल पड़ी है आप लोग वो अपनी यूज कर लेना। और इसके बाद हमारे पास एक जरूरत पड़ती है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की, या अगर आपके पास पेपाल है तो आप पेपाल के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि हमने जब कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है हमने उसको पेमेंट करनी है। कितनी पेमेंट करनी है, आपको £50 देने पड़ते हैं यूके में कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए। आगे चलकर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, उधर भी आपको दिखा दूंगा कितनी अमाउंट पड़ती है, एग्जैक्टली £50 मिलेंगे। अभी की मैं बात कर रहा हूं, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो £12 सिर्फ लगते थे, आप यूके में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेते थे, वो भी एक अच्छा टाइम था। बट अभी के लिए अगर मैं बात करूं, ये भी एक अच्छा टाइम है अगर आप अभी करवा लेते हो, क्योंकि आगे चलकर फ्यूचर में मुझे नहीं पता कि ये कितनी अमाउंट बढ़ जाएगी, अभी फिर भी 50 है, काम चलाऊ है, आप लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हो अगर आपने बिजनेस करना है तो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पैसे के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते।
सो होप करता हूँ सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी रिक्वायरमेंट्स में। अब चलते हैं प्रैक्टिकली लैपटॉप स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी कंपनी स्टार्ट कैसे करनी है। आपको किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, 10 से 12 मिनट लगेंगे, आपकी कंपनी आप खुद रजिस्टर्ड करवा लोगे, आपने बस मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, किसी की आपको हेल्प लेने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको किसी को पैसा देने की जरूरत है। सो चलते हैं डायरेक्टली लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों ने गूगल पे आके सर्च करना है यूके लिमिटेड कंपनी फॉर्मेशन। आप लोग जब ये सर्च करोगे ना टॉप पे आपको government.uk की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इसको आप लोगों ने गौर से देख लेना है, सेटअप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड योर कंपनी, इसको आप लोगों ने न्यू टैब पे ओपन कर लेना है। अब इधर मैंने इसको ओपन कर लिया, ऊपर आप देख भी सकते हो कि government.uk की ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट नहीं है। इधर लिखा हुआ है रजिस्टर्ड योर कंपनी, नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, इधर आप लोगों को वाजे तौर पर देखने को मिल जाएगा कि इट कॉस्ट £50, आपको £50 की कॉस्ट पड़ेगी। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन का टाइम कितना है, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड करके आपकी जो भी बिजनेस ईमेल होगी, जो भी ईमेल आप लोगों ने प्रोवाइड की होगी gmail ID, उस पर सारी की सारी जो है इंफॉर्मेशन सेंड कर दी जाएगी आपकी कंपनी की। आपने इधर प्राइस देख ली, टाइम देख लिया, रजिस्टर्ड नाउ के बटन पे आपने क्लिक करना है। इधर मैंने देखो कोई VPN नहीं लगाया, आप लोगों ने पाकिस्तानी IP के ऊपर पाकिस्तानी अपने जो एड्रेस है, कोई VPN लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने रहना है। इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं और हाइड कर देता हूं। अच्छा इधर पूछे आर यू स्टार्टिंग ए न्यू एप्लीकेशन, जी हां बिल्कुल हम नई एप्लीकेशन मतलब नई कंपनी स्टार्ट करवा रहे हैं, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। आप लोगों ने सारी चीजें ध्यान से देखनी है, कोई चीज मिस नहीं करनी। चेक बिफोर यू स्टार्ट, तो कंटिन्यू टू क्वेश्चंस, आपसे ये क्वेश्चंस करेंगे, आप लोगों ने उनके आंसर अच्छे से करने हैं। आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन, वो पूछा कि आप इस काबिल हो कि आप आगे चलकर पैसे दे सको अपने कार्ड से या पेपाल से, तो जी ऑब्वियसली हम पेमेंट करेंगे, हमारे पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आगे है, मैं आपको बताऊंगा, अगर नहीं भी आया तो फिर भी मैं आपको तरीका बता दूंगा, पेपाल आया तो पेपाल के जरिए भी हम कर देंगे। कंटिन्यू करते हैं इसको। उसके बाद आर यू ए डायरेक्टर और पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन दी कंपनीज हाउस सिक्योर रजिस्टर, तो आप लोगों ने इधर से नो सेलेक्ट करना है। नीचे आप लोग इधर पढ़ भी सकते हो, द सिक्योर रजिस्टर इज फॉर विक्टम्स ऑफ थ्रेटनिंग बिहेवियर्स और वायलेंस हु कैन नॉट रिस्क हैविंग, मतलब अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इस तरह का कोई मामला है तो देन वो आपसे पूछ रहा है, तो आप लोगों ने इधर से नो करना है क्योंकि हमारा इस तरह का कोई भी सिनेरियो नहीं है। तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा सिंपल से। उसके बाद पूछा है कि यू विल नाउ क्रिएट ए गवर्नमेंट गेटवे यूजर, आपको यूजर गवर्नमेंट का गेटवे ऐड करना है, क्रिएट करना है। उसके लिए आप नीचे क्रिएट गवर्नमेंट गेटवे यूजर ID पे क्लिक करोगे, हम इसको जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। पहले नंबर पे पूछेगा कि इंटर योर ईमेल एड्रेस, आप लोगों ने इधर अपनी gmail ID दे देनी है, जो भी आप लोग देना चाह रहे हो, आपके पास जो भी ईमेल ID पड़ी है। इधर मैंने अपनी gmail ID पुट कर दी है, usamashiftoviz@gmail.com, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा इधर से। उसके बाद इंटर ए कोड टू कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, अब आपकी इस ईमेल पे जो आपने दी है एक कंफर्मेशन कोड गया होगा, तो आप लोगों ने अपनी ईमेल ओपन करनी है। ये हमें कोड आया हुआ है, इसको मैं इधर से नीचे से कॉपी कर लेता हूं और वापस आके इधर हम पेस्ट कर देंगे और उसके बाद नीचे कंफर्म पे क्लिक कर देना है आपने। अब ईमेल एड्रेस हमारा कंफर्म्ड हो गया, सिंपल से आपने कंटिन्यू कर लेना है इसे। और व्हाट इज योर फुल नेम, तो मैं इधर दे दूंगा उसामा इम्तियाज और इसको हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेते हैं। अब आपसे ये क्रिएट पासवर्ड करने को बोलेगा, आपने नीचे से इधर अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड सेट कर लेना है और नेक्स्ट आपने कंफर्म पासवर्ड पे दोबारा वही पासवर्ड इंटर करना है, इसको आप लोगों ने कंटिन्यू कर लेना है। अब ये मुझे कह रहा है देयर इज अ प्रॉब्लम, पासवर्ड इज टू शॉर्ट, इंटर 10 और मोर कैरेक्टर्स, मतलब वो कह रहा है कि आपका पासवर्ड छोटा है, आप 10 से ज्यादा कैरेक्टर्स ऐड करो। तो मैं दोबारा से इधर इंटर कर लेता हूँ, पासवर्ड मैंने दोबारा सेट कर लिया, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ दोबारा से। अब ये कह रहा है कि योर गवर्नमेंट गेटवे यूजर ID इज दिस, नीचे आपको इधर एक ID देखने को मिल जाएगी और यही सेम ID आप लोगों की नीचे आप लोग देख सकते हो, वी हैव सेंट इट टू योर ईमेल, आपकी जो आप लोगों ने gmail ID दी होगी ना उस पर भी ये सेंड कर दी जाएगी। और इधर भी आप लोगों को ये चेक करें, ईमेल कर दी गई है, आप लोगों को सेव करने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद नीचे आप लोगों ने कंटिन्यू कर देना है इसे। अब कह रहा है यू नीड टू सेटअप एडिशनल सिक्योरिटी, तो जी हाँ बिल्कुल कर लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। How do you want to get access code? अब इधर देखो तीन options आपको देखने को मिल रहे हैं, पहला text message है, voice call है, authorized app का है। अगर आपके पास UK का number है तो then आपके लिए बस 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे भाई, आप नंबर डालोगे इधर और आपके पास मैसेज आ जाएगा। पीछे मैंने आपको बताया है कि आपने फिजिकल सिम यूके की कैसे बाय करनी है, अगर आप लोग बाय करना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप उधर से जाके यूके की फिजिकल सिम बाय कर सकते हो, उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, आप लोग उसके साथ टिकटॉक मोनेटाइजेशन और पता नहीं क्या क्या कर सकते हो। सही है ना, समझदारों को समझ लग गई है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
उसके बाद आप लोगों ने इधर टेक्स्ट मैसेज सेलेक्ट कर लेना अगर आपके पास सिम है, अदरवाइज नहीं है तो आप इधर नीचे थर्ड ऑप्शन की तरफ जाओगे ऑथेंटिकेटर ऐप की तरफ, इसको आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे कंटिन्यू करोगे यू नीड एन ऑथेंटिकेटर ऐप ऑन योर डिवाइस, आपके पास एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है आपने अपने एंड्रॉयड फोन में, या आपके पास एप्पल आईडी है तो उधर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। उस एप्लीकेशन का नाम है HMRC। आप लोगों को साइड पे मेरी मोबाइल स्क्रीन भी इधर शो हो रही होगी, आप लोग अगर देख रहे हो तो ये एप्लीकेशन है। आप लोगों ने सिंपल से गूगल प्ले स्टोर पे जाके लिखना है HMRC, आपको मिल जाएगी, इसको आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों के सामने ओपन, इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब इसको आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल करना है, इधर आप लोगों ने कहना है कैन यू कलेक्ट एनालिटिक्स डेटा व्हेन यू यूजिंग दिस ऐप, तो हम लोग इसको यस कर लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल से इधर क्या करना है, साइन इन नहीं करना, आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा एक्सेस कोड का, आपने इधर एक्सेस कोड का ये ताला सा बना हुआ है ना नीचे, इस पर क्लिक करना है और आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब आप करोगे सेटअप ए न्यू एक्सेस कोड, इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है स्कैन QR कोड का, तो इस पे आप लोगों ने बाद में क्लिक करना है, पहले नंबर पे आपने इधर आके ये कंटिन्यू का जो बटन है ना इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू क्लिक करोगे आपके सामने ये QR कोड आएगा, इस तरीके से आपका एक डिफरेंट होगा, आपका जो भी आएगा आपके सामने आप लोगों ने मोबाइल पे स्कैन कर लेना है। तो मैं स्कैन कोड के ऊपर क्लिक करूंगा और ये चेक करें इस तरीके से व्हाइल यूजिंग दिस ऐप पे, मैं सेलेक्ट करके इस कोड को स्कैन कर लेता हूँ, आप लोगों के सामने है, ये चेक करें, अभी स्कैन हो जाएगा और ये कोड हो गया स्कैन। अब स्कैन होने के बाद आपके सामने एक अकाउंट का नेम आएगा, आपने इसको डन कर देना है और आपके सामने एक कोड आएगा, आपने अब उस कोड को क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है नीचे और इधर एक्सेस कोड के ऊपर आके वो कोड जो है वो पेस्ट कर देना है। अब मेरा कोड है 03372, आपका डिफरेंट होगा, आपने इधर से कंटिन्यू कर लेना है सिंपल से, और कंटिन्यू करने के बाद क्रिएट ए नेम फॉर योर ऑथेंटिकेशन ऐप, तो आप लोगों ने एक नाम अपनी एप्लीकेशन का चूज कर लेना है। तो इधर मैं नाम कुछ भी रख देता हूं, जैसे कि मैं कर देता हूं डी ऐप, इसको मैंने LTD ऐप रख दिया, उसको बाद में इसको कंटिन्यू कर लूंगा। अब हमें ये बोल रहा है एडिशनल सिक्योरिटी सेटअप करने के लिए, तो आपने नीचे आना है, इधर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा विच ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज, तो हमने जो पहले दिया था उसामा सिफ्टोविज वाला उसी को मैं सेलेक्ट करूंगा, उसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ इधर से। उसके बाद आ रहा है व्हाट इज योर रिलेशनशिप टू योर कंपनी, तो मैं कहूंगा कि मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है कि विल द कंपनी बी ए कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी, बिल्कुल नहीं, हमारी जो कंपनी जो है वो कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी नहीं है, तो आप लोग से नो करना है, इसको आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब पूछ रहा है कि विल द कंपनी बी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो इधर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स वाला और लिमिटेड बाय गारंटी का, आप इसको रीड कर सकते हो, बट आपने इधर लिमिटेड बाय शेयर्स के साथ जाना है, इसको सेलेक्ट करो, सेव एंड कंटिन्यू। अब पूछा है कंपनी का नाम, आप लोगों ने अपनी कंपनी का नाम जो भी चूज करके रखा हुआ है आपने इधर पुट करना है। मैं लिखूंगा उसामा इम्तियाज, क्योंकि मैं अपने नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट आप नीचे स्क्रॉल करोगे, इधर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लिमिटेड का, LTD का, अदर नेम एंडिंग इंक्लूडिंग वेल्च, तो आप लोग इधर से लिमिटेड ये सिलेक्ट करो, उसामा इम्तियाज लिमिटेड भी आएगा, अदरवाइज LTD आप सिलेक्ट करोगे तो उसामा इम्तियाज LTD आएगा। अब दोनों सेम ही है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने LTD सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, नीचे आपने दोबारा से उसी को सेलेक्ट करना है, मैं जी हाँ मैं वही ईमेल रखना चाह रहा हूँ, आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब कंफर्म रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस बोल रहा है, तो जी हाँ हमारा यही है, मैं कंफर्म एंड कंटिन्यू करता हूँ इसे। अब व्हाट इज द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, तो आप लोगों ने इसको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, इधर आप लोगों ने अपना जो फिजिकल एड्रेस बाय करके रखा हुआ ना UK का, वो आपने इधर एंटर करना है। एंटर करने के लिए आप इंटर मैनुअल एड्रेस के ऊपर इधर क्लिक करोगे और नेक्स्ट आपके सामने सारी की सारी डिटेल ये पूछेगा। पहले नंबर पे आप अपनी प्रॉपर्टी का नाम बताओ, एड्रेस दो, एड्रेस टू है, टाउन है, कंट्री है, पोस्टल कोड है, ये इधर आपने सारी इंफॉर्मेशन अपनी UK की फिल करनी है, जो आपने परचेज की होगी, आपने बाय की होगी। नीचे आप कंट्री यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट करोगे और सेव कर दोगे। तो मैं जल्दी से इधर अपनी इंफॉर्मेशन पुट कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सी वेबसाइट है जिधर से जाकर आप अपना जो है एड्रेस बाय कर सकते हो UK का। तो इधर मैंने दो वेबसाइट जो है वो आपके लिए निकाल के रखी हुई है। पहले नंबर पे जो वेबसाइट है उसका नाम है एड्रेस जोन, तो आप लोग ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.addresszone.co.uk, इसको आप लोगों ने इधर से ओपन कर लेना है, मैं आपको ओपन करके दिखा भी देता हूँ।
सेकंड नंबर पे जो इधर मैंने वेबसाइट रखी है वो है यूके पोस्ट बॉक्स के नाम से, इसका यूआरएल है www.ukpostbox.com, आपने इसको भी ओपन कर लेना है। तो मैं आप भी आपको दोनों को ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इनका इंटरफेस देखने में कैसा है। दोनों ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं, आप दोनों से जाकर जो है वो यूके का फिजिकल एड्रेस जो है वो परचेज कर सकते हो। अब इधर पहले एड्रेस जोन आ गया, आप लोगों ने इधर नीचे स्क्रॉल करके आना है, इसकी आप लोग गूगल पे रेटिंग देख सकते हो, ट्रस्ट पायलट पे देख सकते हो, 5 out of 5 है। तो आप लोगों ने इधर से आकर सिंपल से अपना जो है एड्रेस परचेज कर लेना है। नीचे आप लोगों को इधर से सारे के सारे पैकेजेस इसके देखने को मिल जाएंगे, आप लोगों ने सारी की सारी डिटेल्स देखनी है और इधर से अपना बाय कर लेना है एड्रेस। सेकंड नंबर पे ये है यूके पोस्ट बॉक्स, इधर से आप लोगों ने आना है सिंपल से फ्री एंड प्रीमियम यूके एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे स्क्रॉल करना है, हमें चाहिए फिजिकल वाला है, हम नीचे आएंगे, हम इधर देखेंगे फ्री पीओ बॉक्स है, स्ट्रीट एड्रेस है, बिजनेस एड्रेस है, रीडायरेक्शन एड्रेस है, पार्सल है, रिटर्न है। तो मुझे अभी के लिए चाहिए स्ट्रीट एड्रेस का, तो मैं फिजिकल एड्रेस बाय करना चाह रहा हूँ। मैं इधर लंदन स्ट्रीट एड्रेस पे क्लिक करूंगा, नीचे स्क्रॉल आपने करना है और इधर सारी डिटेल्स आप लोग रीड आउट कर सकते हो। इधर से आप लोग ने दोबारा चूज करना है गेट योर लंदन स्ट्रीट एड्रेस, उसके बाद आपसे ये सारे के सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे, प्लान्स इसके, पीओ बॉक्स। अब आपने इधर से स्ट्रीट एड्रेस वाला, ये जो 12 pound वाला है ना, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि इसमें हमें सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसको आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद इधर से डोर सेट वाला सेलेक्ट कर लेना है पहले वाला ही, उसके बाद लेटर, मतलब कि आप लेटर अगर 5 letter रिसीव करते हो तो इतनी फीस देनी पड़ेगी, 10 pay इतनी, तो आपने पहले वाला सेलेक्ट करना है। इधर हम हर लेटर का, पर लेटर का आप लोग 1.2 pound दोगे। देखो ये तब आपसे चार्ज करेंगे जब आपके पास लेटर आएगा, आप लेटर रिसीव करोगे अपने एड्रेस पे, अदरवाइज अगर आप नहीं रिसीव करते तो देन आप 0 pound दोगे। तो हमने लेटर वगैरह तो भिजवाने नहीं है, तो इसलिए हम पहला ही चूज करेंगे क्योंकि इनके साथ तो आपको देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे जो मर्जी हो जाए, सही है। लेकिन ये तब उस केस में है जब आपके पास लेटर रिसीव होगा, तो हमारा कोई लेटर आएगा ही नहीं तो हम उसको पैसे देंगे नहीं, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, आप मंथली अगर दोगे तो आपको 12 pound पड़ेंगे, अदरवाइज आप लोग एनुअली की तरफ जा रहे हो तो आपको 120 pound देखने को मिलेंगे। तो आप इधर ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आपका जो एड्रेस है वो बाय होके आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब ये दोनों वेबसाइट्स हैं, इन्होंने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया हुआ, ना ही ये मेरे कोई रिश्तेदार हैं। आप लोग इनसे हटकर आपको जो बेहतर लगती है वेबसाइट, आप सिंपल यूट्यूब पे जाके सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, आप लोग को जो सस्ती पड़ रही है ना, जो अच्छी मिल रही है, आप उनसे जाके परचेज कर लो। आपने ये नहीं सोचना कि सामा भाई ने ये तो वेबसाइट बता दी है और बस यही है, इसका मतलब ये नहीं है। आप सिंपल से अपनी रिसर्च करो, जिधर से आपको सस्ती पड़ रही है, जो आपको अच्छी लग रही है, आप उनसे जाके परचेज कर सकते हो। बताने का मकसद ये था कि आप लोगों ने इस तरीके से बाय करना है और फिजिकल ही करना है। अच्छा, मैं दोबारा आ जाता हूँ वापस, इधर मैं अपनी एड्रेस की डिटेल पुट कर लेता हूँ और नेक्स्ट फिर कंटिन्यू करते हैं। डिटेल्स मैंने अपनी सारी पुट कर दी है, कंट्री मैंने यूनाइटेड किंगडम इधर से सेलेक्ट कर लिया, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब नेक्स्ट मुझे ये कह रहा है कंफर्म कर लो अपने एड्रेस को, तो जी हाँ ये मेरा कंफर्म ही है, मैं इसको कंफर्म एंड कंटिन्यू करूंगा। अब नेक्स्ट पूछा कि वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड, तो आप इधर से आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, इंग्लैंड आपने पहले वाला ही सेलेक्ट कर लेना है, इसको आपने सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द कंपनी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो आप लोगों ने इधर से जो अपना एड्रेस दिया होगा ना, आपने उसको सेट करना है और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब नेक्स्ट है गिव अस वन और मोर वेज टू कॉन्टेक्ट, अब पूछा है कि यार हमें कोई और मतलब के तरीके बता दो हम आपसे कॉन्टेक्ट कर सके। तो आप लोग के पास अगर यूके का नंबर है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप यूके का नंबर बाय कर सकते हो पाकिस्तान में इजीली, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, उधर से जाके बाय कर लेना। अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग इसको छोड़ भी सकते हो, अगर आपके पास है तो आप लोग लाजमी इधर पुट करना अपना नंबर, उसको आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। इज द न्यू कंपनी रिप्लेसिंग अनदर बिजनेस, तो मैं कहूंगा नो, क्योंकि हम किसी को रिप्लेस नहीं कर रहे, हम अपनी कंपनी बाय कर रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, तो मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। When will the company start trading? तो बिल्कुल यार, जब on the same date it gets set up, जब start होगी तभी हम start करेंगे, जारी बात है, save and continue करेंगे। इसके बाद in the first 3 months will the company do any of the following? तो हम इधर से तीनों को read कर लेते हैं, pay interest है, make है और ये है, तो आप लोगों ने इसको no कर देना है, नहीं आप इनमें से कोई भी चीज नहीं करना चाह रहे, save and continue पे क्लिक करेंगे। अब पूछा है कि what will the company be doing? तो कंपनी क्या करना चाह रही है, तो इधर आप लोगों को ना काफी ज्यादा चीजें देखने को मिल जाती हैं, आप किस बेसिस पे कंपनी मतलब कि ओपन कर रहे हो, आपने नेक्स्ट किस पर्पस के लिए उसको यूज करना है, तो इधर काफी ज्यादा कोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, आप लोगों ने उनमें से जो आपको सूटेबल लगे आप यूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं आपको 2 code बताने वाला हूं। इधर पहले नंबर पे आप इधर लिखना 47910, आप इसको जैसे ही सर्च करोगे तो आपको नीचे ये चेक करो, रिटेल सेल व्यू ईमेल मेल सॉरी ऑर्डर हाउसिंग और विया इंटरनेट,
अगर आप इससे हटकर अगर देखो 9 10 था, इसको मैं कर लूंगा 9 9, सॉरी 9 0, तो इसका आप लोग नीचे देखो अदर रिटेल सेल नॉट इन स्टोर स्टॉल और मार्केट, तो आप जो आपका दिल कर रहा है आप उसको चूज कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसी को चूज करूंगा, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, उसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब कह रहा है चेक एंड कंफर्म दैट योर कंपनी विल बी डूइंग, आपकी कंपनी क्या कर रही है आप एक बार फिर कंफर्म कर लो जो हमने पीछे सेट किया है। अगर आप इसको हटाना चाह रहे हो रिमूव पे भी क्लिक कर सकते हो, उसके अलावा आप लोगों ने कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब कह रहा हैज एनीवन ऑन द एप्लीकेशन एवर सेंट ए सिक्योर रजिस्टर्ड फॉर्म टू आस्क कंपनीज हाउस फॉर प्रोटेक्शन, तो आप लोगों ने इनमें से सेलेक्ट करना है 9 पे, आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है इसे। अब आपसे पूछा कि डायरेक्टर की डिटेल दो, तो आप लोगों ने पहले नंबर पे टाइटल है, ऑप्शन वाला छोड़ना छोड़ दो, अदरवाइज एग्जांपल भी उसने दी हुई है, मिस्टर है मिसिज है जो भी है। मैं इधर मिस्टर सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट नेम दूंगा इधर मैं उसामा, लास्ट नेम मैं इम्तियाज दे दूंगा क्योंकि हमारा मिडिल नेम नहीं है। उसके अलावा हैज अ डायरेक्टर यूज अ डिफरेंट नेम बिजनेस पर्पज इन लास्ट 20 ईयर्स, तो बिल्कुल नहीं, नो करेंगे। नेशनैलिटी आप जिधर से भी हो, पाकिस्तान इंडिया जिधर से भी हो, आपने नेशनैलिटी अपनी सेलेक्ट करनी है, तो मैं इधर से पाकिस्तानी सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी दे देनी है, तो इधर मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी। उसके बाद जॉब का टाइटल आपसे पूछा है, तो आप लोग इधर लिखो डायरेक्टर, नीचे आपको ये चेक करें डायरेक्टर देखने को मिलेगा, आपने सेलेक्ट करना है और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब पूछा है व्हाट इज द कोरेस्पोंडेंस एड्रेस फॉर उसामा इम्तियाज, तो हम लोगों ने जो पहले एड्रेस दिया था उसी को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब पूछा है कि व्हाट इज द होम एड्रेस फॉर उसामा इम्तियाज, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, लोग इसको इग्नोर मार देते हैं। अब ये पूछा है कि उसामा इम्तियाज का होम एड्रेस क्या है, लोग क्या करेंगे गलती करेंगे, जो उन्होंने पहले एड्रेस दिया है ना यूके का उसी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप लोगों ने इसको यूके का नहीं रखना, आपने अपना जिधर रह रहे हो, आप यूएई में रह रहे हो पाकिस्तान में रह रहे हो जिधर भी रह रहे हो आपने उसको सेलेक्ट करना है। तो आप इधर करोगे ए डिफरेंट एड्रेस, उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर, ये आपको कंफर्म करने को बोलेंगे अपने होम एड्रेस को। तो मैं इधर ए डिफरेंट एड्रेस पे सेलेक्ट करूंगा, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपसे ये आपके एड्रेस की डिटेल मांगेगा, इधर से मैं एंटर एड्रेस मैनुअली पे क्लिक करूंगा और इधर अपने एड्रेस की डिटेल दे दूंगा अपने पाकिस्तानी, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब ये एड्रेस कंफर्म करने को बोल रहा है कि दोबारा से एक बार देख लो, अगर चेंज करना है तो चेंज पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो, मेरा ठीक है बिल्कुल, मैं इसे कंफर्म एंड कंटिन्यू करूंगा। अब ये पूछा है डज उसामा इम्तियाज वांट टू रिसीव फाइलिंग रिमाइंडर्स बाय ईमेल, तो जी हाँ बिल्कुल हम ईमेल्स लेना चाह रहे हैं, इसको आपने यस कर लेना है, सेव एंड कंटिन्यू करोगे। विच ईमेल एड्रेस डज उसामा इम्तियाज वांट टू यूज, तो बिल्कुल यार जो मैंने पहले दिया था वही मैं यूज करूंगा, इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। डू यू वांट टू एड अनदर डायरेक्टर, तो आपने नो पे क्लिक करना है। अगर आप करना चाह रहे हो कोई और डायरेक्टर एड तो ठीक है, अदरवाइज मैं किसी को नहीं एड करना चाह रहा, मैं खुद ही डायरेक्टर हूँ, तो इसको मैं नो करूंगा, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अच्छा अब ये बोल रहा है कि आप एक बार कंफर्म कर लो अपनी सारी की सारी डायरेक्टर की ईमेल्स डिटेल्स सारा कुछ देख लो, तो मैं इसको एक बार देख लेता हूँ, ये ओके है। अगर आपको कोई चीज नहीं सही लग रही आप इसको चेंज पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कंफर्म वेयर डायरेक्टर्स लिव्स, तो इधर आप लोगों ने देखा हम लोगों ने अपना पाकिस्तानी एड्रेस डाला था, तो इसको मैं कंफर्म करूंगा ताकि मैं आपको पीछे बता चुका हूं आपको मसला ना बने। एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे, उसको मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब पूछा है यू आर अबाउट टू सेट अप ऑनलाइन फाइलिंग ऑथराइजेशन फॉर द कंपनी, तो हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं सिंपल से। डू यू वांट द डायरेक्टर टू बी ए डिजिटली ऑथराइज्ड टू फाइल ऑनलाइन फॉर द कंपनी, तो जी हाँ बिल्कुल यस पे क्लिक करेंगे, इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। विच डायरेक्टर डू यू वांट टू डिजिटली ऑथराइज टू फाइल ऑनलाइन, तो उसामा इम्तियाज बिल्कुल मैं ही करूंगा, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब ये पूछा कि डज उसामा इम्तियाज हैव एन एग्जिस्टिंग कंपनी, तो आप लोग बोलोगे नो, बिकॉज के इधर आप लोग देख सकते हो कि अगर आपका नहीं होगा तो देन ये आपको क्रिएट करके दे देंगे न्यू, तो आपने इधर से नो कर देना है, इसको आपने कंटिन्यू कर देना है। विच ईमेल एड्रेस दोबारा से पूछा तो हम सेम ही रखेंगे, इसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा। अब ये आपसे कंफर्मेशन करने का बोल रहा है अपनी डिटेल्स को, आपने एक बार सारी की सारी रीड आउट कर लेनी है और नेक्स्ट आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यू आर अबाउट टू सेटअप द कंपनी शेयर होल्डर, तो जी हम लोग बिल्कुल करेंगे शेयर होल्डर को सेटअप, सेव एंड कंटिन्यू पे चलते हैं। और इज उसामा इम्तियाज ए शेयर होल्डर, यस इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू करूंगा। वुड यू लाइक टू एड अनदर शेयर होल्डर, तो हम लोग नो पे क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब ये आपको कंफर्म करने का बोलेगा शेयर होल्डर्स की सारी डिटेल्स, आप लोगों ने इसको एक बार देख लेना है और इसको कंफर्म कर लेना है। अच्छा अब ये पूछा कि डू यू वांट टू यूज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ शेयर्स, तो जी हाँ बिल्कुल हम इसे यस करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है आपने। हाउ मेनी शेयर्स, नीचे स्क्रॉल करते हैं, आपने वन शेयर पे सेलेक्ट करना है, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे इसको।
चूज ए वैल्यू फॉर ईच शेयर, तो हम 1 pound कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू। चेक एंड कंफर्म करने को बोल रहा है, तो हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसको कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब कह रहा है यू आर अबाउट टू सेटअप द पर्सन्स विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी, तो जी हम इसको भी सेटअप कर लेते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपने। फ्रॉम योर प्रीवियस आंसर्स वी नाउ डेट उसामा इम्तियाज इज ए पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल, जी हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, कंटिन्यू करते हैं, मैं ही हूँ। डज उसामा इम्तियाज हैव द राइट, यस, इसको आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे। चेक एंड कंफर्म द डिटेल्स, आपने ये सारी सारी डिटेल्स एक बार देख लेनी है, अच्छे से रीड कर लेनी है, अगर कोई चीज आपको नहीं सही लग रही आपने उसको चेंज कर लेना है। नीचे आ जाना, इधर से आप लोगों ने कंफर्म करना है और इसको भी कंफर्म करोगे, सेव एंड कंटिन्यू। अब मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, इधर सारी की सारी आपको जो मॉडल वो देखने को मिल जाएगा। नीचे डू यू वॉन्ट टू यूज मॉडल आर्टिकल्स, यस, सेव एंड कंटिन्यू। डू यू एग्री, तो हम लोग इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसको कंफर्म कर लेना है आपने और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक सिग्निफिकेंट फॉर उसामा इम्तियाज, आपने इसको नीचे स्क्रॉल करना है, इधर आपसे 3 PC सिलेक्ट करने को बोल रहे हैं, आप लोग इनमें से रैंडम 3 कोई भी सिलेक्ट कर लेने, जैसे टाउन ऑफ बर्थ है इसको आप लोगों ने 3 letters डालने हैं सिर्फ। मैं फैसलाबाद से, तो मैं FAI कर दूंगा। उसके बाद फादर्स फर्स्ट नेम इसको सिलेक्ट करूंगा, तो इधर से IMT कर देते हैं। उसके बाद टेलीफोन नंबर है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, इधर से हम लास्ट डिजिट डाल देते हैं 279। आप लोगों ने 3 कोई भी रैंडम सेलेक्ट कर लेने, इसको आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब चेक एंड कंफर्म योर आंसर्स बोल रहा है, आपने इनको एक बार वेरीफाई करके लास्ट पे कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देना है। अब दोबारा से हमें बोल रहा है चेक एंड कंफर्म योर आंसर्स, आपने सारी की सारी नीचे आपको डिटेल्स देखने को मिलेंगी, आप लोगों ने इनको अच्छे से सबको रीड आउट कर लेना है सभी को, और लास्ट पे सारी डिटेल जिसने एक बार मुझे सारी की सारी दोबारा दिखा दी है, आपने जैसे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक मारना है और कंफर्म एंड सेंड एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यू आर अबाउट टू मेक ए सिक्योर पेमेंट ऑफ 50 pounds, अब आपकी बारी आएगी पैसा देने की। नीचे आपने स्क्रॉल करना है, मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है, इधर से आप पेपाल के जरिए भी कर सकते हो, अगर क्रेडिट या डेबिट कार्ड है तब भी कर सकते हो। अगर आपके पास पेपाल है पेपाल सेलेक्ट करोगे, अगर आपके पास पेपाल नहीं है तो आप क्रेडिट डेबिट कार्ड के साथ जाओगे। अच्छा, इसको मैं कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करता हूँ क्रेडिट और डेबिट कार्ड के ऊपर। नेक्स्ट आपके सामने ये कार्ड की डिटेल मांगेगा, इधर आप लोगों के पास अगर मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, आप इधर एंटर कर सकते हो। अब इधर वो लोग आएंगे पाकिस्तानी जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, उनको मैं रिकमेंड करूंगा आप सादा पे या नया पे की एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, प्ले स्टोर पे जाके अपना अकाउंट बना लो और आपको एक मास्टर कार्ड देखने को मिलेगा, उसको आप लोग इधर लगा के पेमेंट कर सकते। अच्छा, उस मास्टर कार्ड को यूज करके आप इंटरनेशनली पूरी दुनिया में कहीं भी परचेजिंग कर सकते हो। तो ये उन लोगों के लिए मैंने सोल्यूशन बता दिया जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, अदरवाइज अगर आपका पाकिस्तानी बैंक है या कोई भी बैंक है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सपोर्ट करता है। आप इधर डिटेल डालो अपने कार्ड नंबर की, उसके बाद एक्सपायरी CVV और अपने कार्ड का नाम डालो, कार्ड के सिक्योरिटी कोड CVV कोड जो होता है वो डालो। अच्छा, उसके बाद नीचे आपको बिलिंग एड्रेस देखने को मिल रहा है, दिस इज द एड्रेस एसोसिएटेड विद द कार्ड, तो आप लोगों ने इधर से एड्रेस लाइन 1 में अपना एड्रेस देना है, उसके बाद टाउन और सिटी सेलेक्ट करनी है, कंट्री जैसे चेंज कर लेनी है, पोस्टल कोड देना है, कॉन्टेक्ट डिटेल देनी है। कंटिन्यू करोगे तो सिंपल से आपकी UK लिमिटेड कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। होप करता हूँ कि आपको सारी चीजें जो है वो अच्छे से समझ लगी होंगी, किसी चीज की समझ ना लगी हो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।